नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका दोस्त। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ टेटनस इंजेक्शन का रिव्यू। दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपके साथ बातें करके देंगे। दोस्तों तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों और लास्ट तक देखिए वीडियो को। दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेडिसिन से जुड़ी जो भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों दोस्तों ये जो है टेटनस वैक्सीन है दोस्तों, ये जो आपका इसका नाम है बिट्स नाम है दोस्तों। ये आपका बीई कंपनी का आता है, 0.5 ml का एम्पूल है दोस्तों, शीशे का एम्पूल है। इस तरह का देख सकते हैं, ये लाल रंग का दाग दिया हो दोस्तों, यहाँ से दबाते हैं तो टूट जाता है दोस्तों। और जो है ये टेटनस इंजेक्शन का उपयोग जो है दोस्तों, टेटनस एक बहुत बड़ी बीमारी है दोस्तों, जो कि इन्फेक्शन जैसे कि लोहे के रड से या फिर आपका रोड दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया या फिर शीशे से कट गया, तो उस अवस्था में जो है आपका जो है टेटनस इंजेक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आप जो है टेटनस इंजेक्शन जो है ले सकते हैं दोस्तों, बड़ी आसानी से आपको जो है सभी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा दोस्तों। टेटनस इंजेक्शन जब भी ले दोस्तों तो फिर जो है 24 घंटे के अंदर ले। अभी आपका रोड दुर्घटना हो गया, फिर शीशे से कट गया या फिर कट गया, छिला गया, फट गया, तो आप जो है 24 घंटे के अंदर जो है टेटनस इंजेक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। लेने से जो है दोस्तों भविष्य में होने वाला टेटनस की समस्याओं से आप बचे हुए रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों जब भी ले इसको तो ध्यान रहे दोस्तों कि आप जो है फ्रिज से निकाल करके ले, फ्रिज में रखा हुआ होना चाहिए इंजेक्शन दोस्तों, क्योंकि फ्रिज से बाहर रखने पर इंजेक्शन जो है ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो जब भी ले तो फ्रिज में रखा हुआ ही इंजेक्शन ले से आप दोस्तों। ये आपका 0.5 ml का एम्पूल आता है दोस्तों, इसको जो है बच्चे बड़े और जो है वयस्क और गर्भवती महिला सभी को इसको जो है ले सकते हैं, बुढ़ापा में भी इस इंजेक्शन, क्योंकि दोस्तों इस इंजेक्शन में एक ही इंजेक्शन आता है दोस्तों जो बीई कंपनी बनाती है दोस्तों, और एक ही कंपनी बनाती है और एक ही इंजेक्शन आता है दोस्तों, और सबका डोज जो है दोस्तों एक ही होता है। बच्चे वयस्क और गर्भवती महिला हो या फिर ज़्यादा एजेड हो, ओल्ड हो, बूढ़े लोग हो, तो सभी का डोज एक ही होता है दोस्तों। तो आप जो है इसको जो है बच्चे को भी दिलवा सकते हैं कमर में दोस्तों, और वयस्क लोग हैं तो आपका बाजू में ले सकते हैं दोस्तों। और IM इसका यूज होता है दोस्तों, जब भी ले तो इसको IM ले दोस्तों, IM ही इसका यूज होता है, ध्यान रखिए। और फ्रिज से निकाल करके ही ले दोस्तों, फ्रिज से बाहर रखने पर यह इंजेक्शन जो है ख़राब हो जाता है दोस्तों। गर्भवती महिलाओं को भी इस इंजेक्शन का ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों गर्भावस्था के दौरान आने वाला बच्चा जो है दोस्तों टेटनस जैसी बड़ी समस्याओं से सुरक्षित रहे, इसलिए जो है गर्भवती अवस्था में ही जो है कि आपका इस इंजेक्शन का जो है प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। 1 से 9 महीने के बीच में 3 ठो इंजेक्शन लगता है गर्भवती महिला को, पहला जो है 5वें महीने पर, दूसरा जो है 7वें महीने पर और तीसरा जो है 8वें महीने पर दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों का काम है किसी कारखाना में काम करते हैं, सेंटरिंग में काम करते हैं, इस तरह का आपको काम है, तो रोजाना काम है दोस्तों, तो हमेशा कुछ ना कुछ लगते लगता है दोस्तों, लोहा के रड से लग गया कुछ भी लग, तो आप जो है 6 महीने में एक बार इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। 6 महीने का डोज रहता है, यदि आप एक इंजेक्शन लेते हैं तो 6 महीना बाद फिर दूसरा इंजेक्शन जो है ले सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। और बच्चों को दिलाने के बाद दोस्तों है तो हल्के फल्के दर्द और फीवर आ सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर की मदद में ले सकते हैं दोस्तों। उसे इसका डोज जो होता है 6 महीने का होता है, 6 महीने में एक बार इसको ले लेते हैं तो किसी भी तरह से इन्फेक्शन आपको टेटनेस का नहीं होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो